तो मास ऑफ सन, तो फिर बेसिकली हम मास ऑफ सन ऐसे फाइंड करते हैं कि अगर ये सन है और ये अर्थ है, राइट, तो अर्थ बेसिकली सन के अराउंड ऑर्बिट करता होगा, राइट, तो फिर इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो सेंट्रीपेटल फोर्स है, राइट, फिर अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देते हैं तो एफ इजिकल्स टू जी एम वन जो मास ऑफ सन है, एम टू जो मास ऑफ अर्थ है, अपॉन आर ई स्क्वायर, आर डी वो है इन दो के बीच का डिस्टेंस है, ये है आर ई, राइट। तो फिर अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे एफ जो है वो एफ सी है, मतलब एक सेंट्रीपेटल फोर्स है, राइट। अगर हम एफ सी को एज आइसोलेट करके देखते हैं तो फिर सेंट्रीपेट फोर्स की क्या वैल्यू होती है, एम एम वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट, यहाँ पे मास वो हो गया जो बॉडी घूम रही है, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब क्योंकि ये एक सर्कल में घूम रही है तो फिर हम उसको और फर्दर वो कर सकते हैं, वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कर सकते हैं, जो कि ओमेगा और आर, राइट। मैं अभी आर को आर ई एस नहीं लिख रहा क्योंकि ऐसे ही क्यों, मैं इसको आइसोलेट करके देख रहा, राइट। और मैंने हमने पहले फाइंड आउट किया था कि ओमेगा की वैल्यू जो है 2 पाई अपॉन टाइम है, तो फिर इसको पुट कर दें, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर t स्क्वायर इंटू आर, राइट। अब ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें मैं आर ई एस लिख लूँ, जी एम वन एमएम से कैंसिल हुआ, बाकी सारी वैल्यू ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर ई एस क्यूब, ये इधर आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू जी इक्वल्स टू मास ऑफ सन, वैल्यू स्पोर्ट कर देंगे सबकी, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें मालूम थी, टाइम बेसिकली 365 डेज लगे, हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटा 60 मिनट से बना होता है, हर मिनट 60 सेकेंड से बना होता है, राइट। पाई की वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रखा, 6.67 × 10⁻¹¹ रेडियस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ये, और मास ऑफ सन जो हमें फाइंड करना था, ये दोनों वैल्यू बुक से रखनी पड़ेंगी। पहला ये हो गया मास ऑफ सन के लिए, वो काफ़ी शॉर्ट है, अगर हम बीच में वो कर दें लिख सकते हैं कि फाइंडिंग दिस फाइंडिंग दैट वगैरह, तो फिर लॉन्ग हो जाते, वरना ये असल में इतनी क्वेश्चन है।